please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के रोहतक में कपड़े से चेहरा छुपाए एक लड़के को कुछ पुलिस वाले पकड़े दिखे। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में काम करने वाले लड़कियों ने इस लड़के को अपने जाल में फंसाया और देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां मांगी, जिसके एवज में आईएसआई ने आरोपी लड़के को 10 लाख रुपए का लालच भी दिया, लेकिन पुलिस से वो बच नहीं पाया और पकड़ा गया। पुलिस का दावा है कि गौरव नाम के इस लड़के से आईएसआई की 3 महिला एजेंट ने बारी बारी से फेसबुक पर दोस्ती की और अपनी बातों में फंसाकर सेना से जुड़े वीडियो और अहम जानकारियां मांगी। आरोप है कि गौरव ने संवेदनशील जगहों से जुड़े करीब 18 वीडियो सीमा पार भेजे। इस लड़के के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से लिंक थे और ये देश की इंफॉर्मेशन वहां तक भिजवा रहा था। आरोपी लड़का सोनीपत जिले के गन्नौर का रहने वाला है, जो रोहतक में रहकर सेना में भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी दोस्ती आईएसआई के लिए काम करने वाली 3 लड़कियों से हुई, जिन्होंने गौरव को अपने जाल में फंसा लिया और एजेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल करने लगी। हनी ट्रैप टाइप से का केस है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने वहां पर एक इस तरीके की सेल बनाई हुई है। आरोपी गौरव ने भी अपना गुनाह कबूल किया। मैंने जी 15-16 लड़के देखे थे। मामला संवेदनशील है, लिहाजा पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी गयी। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर झांसे में आने से कैसा बचा जाए। जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जब भी किसी से दोस्ती करें तो निजी जानकारियां सोच समझकर साझा करें। इसके अलावा किसी के झांसे में आने से बचें। आतंकी संगठन आपसे जुड़ी जानकारी का फायदा आतंकी गतिविधियों में भी उठा सकते हैं। दावा किया है कि देश में रेड कॉरिडोर यानी नक्सलियों के प्रभाव वाला हिस्सा घट गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 राज्यों के 82 जिले ही नक्सल समस्या से प्रभावित हैं, जबकि पहले नक्सल प्रभावित जिलों की गिनती 126 थी, जिनमें 44 जिलों से नक्सलियों का सफाया किया गया है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की गिनती 35 से घटकर 30 पर पहुंच गई, लेकिन सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि 8 नए जिले नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, यानी नक्सली संगठन भी अपने विस्तार की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीते साल नक्सली हमलों की गिनती में भी गिरावट दर्ज की गई। 2017 में नक्सली घटनाओं का आंकड़ा 908 रहा, बीते कई साल से आंकड़ा 1000 से ऊपर ही रहा था। 2016 में 1048 नक्सली हमले हुए। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 1089 नक्सली हमले हुए, जबकि 2014 में नक्सली हमलों की गिनती 1091 दर्ज की गई थी।